गाइस CBSE ने अपने रोल नंबर जारी कर दिए हैं। अगर आपको रोल नंबर फाइंड करना है अपना, तो आप क्या करते हैं कर सकते हैं जानने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको CBSE सर्च कर लेना है। आप यहाँ पर CBSE सर्च करेंगे तो इस टाइप से CBSE का ये जो साइट का मेन पेज आ जाएगा। यहाँ पर मेन पेज पर जो आपका होम पेज है, इसी पर यहाँ पर नीचे रोल नंबर फाइंड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फाइंड पर क्लिक करना है, रोल नंबर फाइंड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर सर्वर 1 या सर्वर 2 में किसी पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है आपको। कंटिन्यू के बाद अगर आपको 10th का देखना है तो 10th पर क्लिक कर देना है। 10th पर क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम कैपिटल में फिल करना है और वही डिटेल फिल करनी है जो आपने अपने स्कूल में दी है। और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस टाइप से सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर इस टाइप से, जैसे 2001 है आपकी, 2001 डेट है, तो यहाँ पर आपको 2001 लिख कर लेना है। यहाँ पर आप इस टाइप भी कर सकते हो डायरेक्ट आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हो। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, जैसे 24 आपके पास क्या रहा है 24, इसको डेस्कटॉप साइट पर भी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इसको डेस्कटॉप साइट पर कर लेना आप, और इस टाइप से अब आपको ये आ जाएगा। और फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेनी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ लेट करते हैं 24, फिर यहाँ पर /11/2000 है, तो इस टाइप से आपको सेलेक्ट कर लेना है और अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम फिल कर देना है। आपको आपका रोल नंबर मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो का लिंक चाहिए, अगर आपको इस साइट का लिंक चाहिए, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।